कांग्रेस के घोटाले में अब एक नया नाम जुड़ गया है। कई नामों से कांग्रेस की पहचान घोटालों से जुड़ी हुई है, लेकिन अब सबूतों के साथ, हवाबाजी नहीं, सबूतों के साथ एक नया घोटाला कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के खाते में जमा हो गया है, और वो है तुगलक रोड चुनावी घोटाला। तुगलक रोड चुनावी घोटाला, कांग्रेस गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन करके, उनको मिलने वाले आहार को छीन करके अपने नेताओं का पेट भर रही है। कांग्रेस गर्भ महिलाएं बहने सुने, कांग्रेस गर्भवती महिलाओं के लिए भेजे गए पैसे को लूट रही है। बीते 3-4 दिन से आप मीडिया में देख रहे हैं कि कैसे कांग्रेसियों के पास बोरा भर भर के नोटों की गड्डियां मिल रही है। पैसा कहां से कहां जा रहा था, किसके घर से निकला, कहां पहुंचा, सब मीडिया में छन छन करके खबर आ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार बने अभी 6 महीना भी नहीं हुआ, कांग्रेस ने पहले कर्नाटक में अपना एटीएम बनाया हुआ था, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एटीएम बन गया है, और शायद राजस्थान और छत्तीसगढ़ का हाल भी अलग नहीं हो सकता है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है।